प्रसूति के बाद महिला की मौत के बाद शव ले न्याय परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर को निलंबित करने की मांग की। वहीं अस्पताल पहुंचे 200 से अधिक महिला पुरुषों ने 3 घंटे तक किया हंगामा। थाना प्रभारी और तहसीलदार की मौजूदगी में जांच के बाद माने परिवार। सनावद में सोमवार को पास के ग्राम जूना पानी की एक नवविवाहिता की प्रसूति के दौरान इलाज में लापरवाही के कारण हुई मौत के बाद परिवार वालों ने इसे डॉक्टर की लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं मंगलवार को सुबह 11 बजे शव लेने आए परिजनों और 200 से अधिक महिला पुरुषों ने हंगामेदार आक्रोश व्यक्त करते हुए अस्पताल के गेट के बाहर धरना देकर डॉक्टर को निलंबित कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे। करीब 3 घंटे चले घटनाक्रम में टीआई राजेंद्र सोनी बार बार परिवार वालों को समझाते रहे। वहीं तहसीलदार रंजना पाटीदार द्वारा परिवार के लोगों के बयान दर्ज कर जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद परिवार वाले माने। 3 घंटे चला घटनाक्रम। सोमवार को दोपहर 3 बजे मनीषा पति राजेंद्र 21 वर्ष की प्रसूति के बाद मौत हो गई थी, जिसका पीएम कर शव परिजन लेने के लिए मंगलवार सुबह 11 बजे पहुंचे थे। लेकिन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर तकरीबन 3 घंटे तक अस्पताल के मुख्य गेट पर आक्रोश जताते रहे। मृतक के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर एवं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण उनकी बेटी की जान गई है। अगर डॉक्टर द्वारा समय पर उसकी सही उपचार किया जाता तो उसकी जान नहीं जाती। इस दौरान अस्पताल में मौजूद स्टाफ द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में अस्पताल में ऐसे लोगों को तत्काल निलंबित भी किया जाए। परिवार वालों ने बताया कि चिकित्सक द्वारा अगर समय रहते हमें कह दिया जाता तो हम अन्य स्थान पर जाकर इलाज करवा लेते। वहीं थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी दलबल के साथ वहां मौजूद रहे। तकरीबन 3 घंटे तक टीआई ने मृतक मनीषा के परिवार वाले एवं महिला पुरुषों से एक एक कर बात को सुना एवं कानूनी तौर पर समाधान करने की बात कही। साथ ही डॉक्टर को निलंबित करने पर अड़े रहे। इस दौरान तहसीलदार रंजना पाटीदार द्वारा भी लोगों की एक एक बात सुनी गई। साथ ही जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया। तुम्हारी तरफ से कोई आदमी ऐसा है जो बात रख सके अपनी, कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी स्वास्थ्य विभाग एक अलग विभाग है, इनका अलग कार्य प्रणाली है। हम इनके विभाग में लिखेंगे, कलेक्टर साहब को लिखेंगे, वो सबके बॉस हैं, वो उस पर कार्रवाई लेके इनको सस्पेंड करेंगे।